लंबा कंटेंट नहीं देख पाते तो कोई बात नहीं, बी और बेस्ट क्लिप्स पे आप सब डिफरेंट पार्ट्स में बिंज वॉच कर पाओगे। यार चलते हैं सबसे पहली आउटफिट की तरफ, जहाँ पे थोड़ी सी ठंड ज्यादा होती है वहाँ पे आपको थोड़ी सी ज्यादा मोटी मोटी लेयरिंग करनी पड़ेगी। जैसे कि मैंने यहाँ पे पहनी है ग्रे कलर की पफर जैकेट, साथ में एक ब्लैक कलर की हुडी, नीचे एक ब्लैक कलर की जीन्स और साथ में कुछ बेसिक स्नीकर्स। अब यार ये पफर जैकेट बहुत शानदार क्वालिटी की है, मैं ऑलरेडी आपको पिछले जैकेट्स हॉल्स वाले वीडियोस में दिखा चुका हूँ, एंड इस बजट में इससे बेटर पफर जैकेट मिलना बहुत मुश्किल है, स्पेशली इस तरीके की। और इसकी बेस्ट बात ये कि थोड़ी सी रिलैक्स्ड टाइप की भी है ये, तो मतलब एकदम स्लिम फिट टाइट टाइप की नहीं है, मनाली वाले अंकल नहीं लगोगे। अंदर पहनी है एक ब्लैक कलर की हुडी, जो कि एक बेसिक ब्लैक हुडी नहीं है बट उसके ऊपर रिब्ड मटेरियल की बनी हुई है वो बेसिकली, तो वो थोड़ी सी कूल और प्रीमियम टाइप लगती है। एंड नीचे पहनी है स्ट्रेट फिट वाली ब्लैक जीन्स। बहुत ध्यान से सुन लो मेरी बात, आजकल स्लिम टेपर्ड जीन्स नहीं चलती है, आजकल जो फैशन चल रहा है वो थोड़ी सी खुली जीन्स का है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप बैगी जीन्स ले लो, मैं बस ये कह रहा हूँ कि अभी के लिए एटलीस्ट आप एक स्ट्रेट फिट जीन्स या फिर बूट कट टाइप की जीन्स ऐसी वाली ले लोगे तो आपको 3-4 साल दिक्कत नहीं आएगी। और जो नीचे स्ट्रेट फिट वाली ब्लैक जीन्स है वो ऊपर के बड़ी प्रोपोर्शन के साथ भी मैच होती है। एंड ये आउटफिट में ना बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ लेयरिंग या मैचिंग कलर्स यूज किया हुआ है, क्योंकि अंदर ऑल ब्लैक पहना हुआ है और उसके ऊपर एक न्यूट्रल शेड की जैकेट पहनी हुई है, तो आपको ज्यादा सोचना नहीं पड़ेगा कि कौन सा कलर लें कौन सा कलर ना लें। एंड क्योंकि ऑब्वियसली ठंड ज्यादा है अगर, तो आप ऊपर एक ब्लैक कलर की फिशरमैन बीनी, मतलब कि वो छोटे साइज वाली जो टोपी पहनते हैं वो भी पहन सकते हो। मतलब ये ब्लैक वाली टोपी तो एकदम एसेंशियल है, तो ये तो पक्का से ले लेना। बाय द वे लेने का मतलब ये है कि नीचे डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक्स होंगे, आप उनसे सारी शॉपिंग कर सकते हो। तो सब्सक्राइब टू बी योर बेस्ट क्लिप्स एंड बी योर बेस्ट मेन चैनल।